इधर संजय राउत ने कंगना पर पूछे गए सवालों पर पल्ला झाड़ लिया है। संजय राउत ने कहा कि इस बारे में मुझसे नहीं बीएमसी कमिश्नर से सवाल पूछे। हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे आप बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। राज्यपाल सर मला माहित नाही। बीएमसी के कमिश्नर से सवाल पूछिए, ये कह रहे हैं संजय राउत आज। लेकिन खुलकर जो लड़ाई थी और कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई है, क्या वाकई शिवसेना इससे पल्ला झाड़ पाएगी? थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पंकज उपाध्याय हमारे साथ घर से जुड़े हुए हैं, वहां से कुछ तस्वीरें आ रही है। पंकज जल्दी से एक रिएक्शन, वहां से हलचल है क्या पंकज? यस अंजना, यहाँ पर देखिए गतिविधि बढ़ गई है। मुंबई पुलिस के यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, बीएमसी के अधिकारी भी कुछ यहाँ पर आ गए हैं। देखिए एक यहाँ पर अधिकारी है, उसके हाथ में पूरा रस्सी का बड़ा गट्ठा है। मुझे लगता है इस एरिया को बैरिकेड करने की कोशिश करी जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता इस वक्त बीएमसी के अधिकारी क्या ऊपर पांचवें माले पर कंगना के घर में जाने वाले हैं या नहीं, लेकिन लेकिन साथ ही साथ देखिए ये पहले कभी नहीं हुआ, पूरे दिन भर की ये बड़ी हलचल है यहाँ से जो हो रही है। मुंबई पुलिस के अधिकारी अब हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक मुंबई पुलिस का दूसरा अधिकारी है, उसके हाथ में रस्सियां भी हैं, अब वो पीछे जाने की कोशिश कर, शायद इस एरिया को बैरिकेड कर दिया जाएगा। अब शायद तो या तो मुंबई पुलिस ही एंटीसिपेट कर रही है एक बार जब कोर्ट का ऑर्डर, दूसरी तरफ देखिए और मुंबई पुलिस वाले आ गए हैं, यानी यहां पर मुंबई पुलिस का जो जमावड़ा है अब वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। या तो मुंबई पुलिस एंटीसिपेट कर रही है कि एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद शायद कंगना के घर में शायद जो समर्थकों का हुजूम है वो आ सकता है, उसको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, इसलिए यहां पर आ रहे हैं। या दूसरी तरफ शायद बीएमसी कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहा है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हालांकि दो हफ्ते तक ये कहा जा रहा है कि कंगना का घर सुरक्षित है, यहां पर कोई डिमोलिशन ड्राइव नहीं चलाई जाएगी, लेकिन फिलहाल यहां पर गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई पुलिस के अधिकारी अचानक यहां पर बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं मुझे, तो इस पर हमारी अंजना नजर बनी रहेगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सूरत हाल ये है, मुंबई पुलिस के अधिकारी अचानक बीएमसी के अधिकारियों के साथ यहां पर मौजूद हैं और आगे जो भी डेवलपमेंट होगा दर्शकों को हम बताते रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे ही कोई हलचल हो आप फौरन इशारा कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब कोर्ट के बाहर से। आशुतोष, कोई भी जानकारी वहां से आती है सुनवाई के बारे में बताएगा। मौसमी जल्दी से एक बार आपके पास, कंगना रनौत यहां भी पहुंच सकती है ऐसा बताया जा रहा है क्या मौसमी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कुछ बढ़ने की आसार दिख रहे हैं। यहाँ पे हरकत एकदम से पुलिस की तेज हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी जो कल मौजूद थे, सुबह से ये लोग यहाँ पे नहीं थे, अब हमें यहाँ पे नजर आ रहे महिला पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे पहुंची है। तो क्या सर कोई जानकारी है आने की क्या कंगना की? नहीं कुछ पता नहीं है अभी। ऐसे राउंड। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।